गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने मॉड्यूल 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मोनोक्रोम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बारे में पढ़ा, स्कैनिंग कैसे होता है, कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल क्या होता है, ये सारा चीज़ जो बेसिक चीज़ था वो देखा था। अब मॉड्यूल 2 में हम लोगों को देखना है कि कैमरा ट्यूब्स क्या होता है। मॉड्यूल 1 में हम लोगों ने बार बार ये सुना है कि हाँ स्कैनिंग करते हैं, ऑप्टिकल इमेज जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, लेकिन इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है जो कि ऑप्टिकल इमेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्जन होता है। हम लोग ये पढ़े थे कि जो टीवी कैमरा होता है वो ट्रांसड्यूसर का काम करता है, वो ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में टीवी कैमरा में ऐसा क्या होता है जो कि वो ऑप्टिकल इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 जो है हमारा है मोनोक्रोम पिक्चर ट्यूब्स, जिसके लिए हम लोगों को 8 पीरियड्स अलॉटेड है। उसमें पहला जो चीज़ है वो है कैमरा ट्यूब्स, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे, जो बेसिक प्रिंसिपल्स एंड ऑपरेशन होता है कैमरा ट्यूब्स का, वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्थिकॉन, विडिकॉन, प्लम्बिकॉन, ये 3 टाइप का पिक्चर ट्यूब हम लोगों को पढ़ना है और उनका कंपैरिजन। ठीक है, तो अभी क्या है, अगर आउटलाइन हम लोग देखें तो M2 ST1 मीन्स मॉड्यूल 2 सब टॉपिक 1 क्या है हमारा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड वर्किंग ऑफ कैमरा ट्यूब्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैमरा ट्यूब्स, मतलब क्या क्या, कैसे कैमरा ट्यूब काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2 टाइप का होता है, फोटो एमिशन प्रिंसिपल, फोटो कंडक्शन प्रिंसिपल, ये दोनों हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये दोनों के प्रिंसिपल के बेसिस पे कैमरा ट्यूब्स बनते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैमरा ट्यूब्स, मतलब कैमरा ट्यूब्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अभी कैमरा ट्यूब्स। फर्स्ट है, एन इलेक्ट्रॉन ट्यूब यूजेस अ लाइट सेंसिटिव मटेरियल दैट कन्वर्ट्स ऑप्टिकल इमेज इनटू एन इलेक्ट्रिकल वीडियो सिग्नल। ये तो हम लोग जानते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन ट्यूब हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्यूब एक्चुअल में होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्यूब बोलने या फिर अगर टीवी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो इसको कैमरा ट्यूब बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये लाइट सेंसिटिव मटेरियल से बना होता है, इसके अंदर लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता है। सेंसिटिव मतलब जिसको लाइट से जिसका नेचर चेंज हो जाए। ठीक है, तो वो क्या करता है, ऑप्टिकल इमेज को इलेक्ट्रिकल वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये तो हम लोग मॉड्यूल 1 से ही सुनते आ रहे हैं। सेकंड है, दिस इज यूज्ड इन टीवी कैमरा टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पल्सेस रिप्रेजेंटिंग द लाइट इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट इमेज। मतलब क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्यूब है ये कहाँ यूज होता है, टीवी कैमरा में। ठीक है, अभी जो हम लोग ट्यूब देखेंगे, टीवी कैमरा ट्यूब, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्यूब हम लोग यूज करते हैं। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता है, और वो इलेक्ट्रिकल पल्स रिप्रेजेंट क्या करता है, तो जो भी इमेज फॉल होता है हमारा ट्यूब पे, उसको वो क्या करता है, उसके लाइट के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करता है। ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ दिस इमेज इज स्कैन बाय द बीम इन द ट्यूब। मतलब जो भी इमेज है जिसको कि हमको टेलीवाइज करना है, वो क्या होगा, हर एक पॉइंट जो है वो स्कैन होगा बीम से, इलेक्ट्रॉन बीम से, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं स्कैनिंग। एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट एट दैट पॉइंट ऑफ द इमेज इज जनरेटेड बाय द ट्यूब। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट अभी बीम स्कैन कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो भी इंटेंसिटी है लाइट का, वो जो इमेज है, वो इमेज तो लाइट से ही बना हुआ है, तो उस पॉइंट पे जो भी इंटेंसिटी रहेगा लाइट का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में क्या होगा, बीम आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ते हुए जिस जिस पॉइंट का जो जो इंटेंसिटी है लाइट का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करेगा। तो उसी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वीडियो सिग्नल। ठीक है, तो दिस सिग्नल रिप्रेजेंट्स द वीडियो और पिक्चर पोर्शन ऑफ अ टीवी सिग्नल। पिक्चर पोर्शन मतलब टीवी सिग्नल हम लोग जानते हैं, टीवी में क्या क्या था, साउंड प्लस पिक्चर प्लस सम सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो पिक्चर वाला पोर्शन होता है, ये क्या है हमारा, ये चीज जो इलेक्ट्रॉन बीम जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल या वीडियो सिग्नल, यही है। ठीक है, तो इतना चीज तो हम लोग अभी तक पढ़ लिए थे स्कैनिंग में, कि स्कैनिंग कैसे होता है। ठीक है, तो अब ट्यूब, कैमरा ट्यूब का ऑपरेशन क्या है, वो काम कैसे करता है, तो लाइट फ्रॉम द सीन और इमेज इज फोकस्ड ऑन अ फोटो सेंसिटिव सर्फेस नोन एज इमेज प्लेट। मतलब अगर ये कैमरा ट्यूब है हमारा, तो यहाँ पे एक इमेज प्लेट रहता है जहाँ पे कोई भी इमेज या फिर कोई भी सीन जो है वो फोकस्ड होता है। ठीक है, एक हो गया इमेज प्लेट। फिर क्या होता है, जब भी इमेज या लाइट इस पे इंसिडेंस होता है
ऑप्टिकल इमेज फॉर्म्ड विथ अ लेंस सिस्टम रिप्रेजेंट्स लाइट इंटेंसिटी वेरिएशन। ये तो हम लोग जानते हैं, कोई भी इमेज है तो उसमें लाइट इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा। तो उसको फोकस कैसे करते हैं इमेज प्लेट पे? लेंस के थ्रू। ये हम लोग आगे देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज प्लेट देन कन्वर्ट डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल वेरिएशन। मतलब ये जो इमेज प्लेट होता है ये क्या चीज़ का बना होता है? फोटो सेंसिटिव सर्फेस का। तो जब वो जो लेंस होता है, ये लेंस क्या करेगा? ऑप्टिकल इमेज को फोकस करेगा इस इमेज प्लेट पे। तो जैसे ही लाइट इंटेंसिटी इस पे पड़ेगा, क्योंकि ये जो सरफेस है वो फोटो सेंसिटिव सरफेस है, तो लाइट के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिकल जो बिहेवियर है या जो इलेक्ट्रिकल नेचर है वो वेरी करेगा। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूव्स अक्रॉस द इमेज प्लेट लाइन बाय लाइन एंड फील्ड बाय फील्ड टू प्रोवाइड सिग्नल वेरिएशन इन अ सक्सेसिव ऑर्डर। मतलब यहाँ जो ये सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहा है लाइट वेरिएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये चेंज को हम लोग पिकअप कैसे करेंगे? तो वो पिक करेंगे किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेगा? वो लाइन बाय लाइन, हम लोग पढ़े हैं 625 हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, तो लाइन बाय लाइन एंड फील्ड बाय फील्ड वो सक्सेसिव ऑर्डर में ये उसको इलेक्ट्रॉन बीम मूव करेगा इमेज प्लेट में और हम लोगों को वीडियो सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब ये जो फोटो सेंसिटिव सर्फेस हम लोग पढ़े, तो फोटो मीन्स क्या हुआ? फोटो मीन्स हम लोग जनरली जानते हैं लाइट। ठीक है। सेंसिटिव मीन्स क्या होगा? फोटो सेंसिटिव मतलब लाइट के कारण सेंसिटिव है वो, लाइट से सेंसिटिव है। हम जब लाइट देते हैं तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मीन्स सेंसिटिव मीन्स चेंज इन बिहेवियर और नेचर। कोई बोलता है ना वो धूल मिट्टी से सेंसिटिव है, तो मतलब क्या होता है, धूल मिट्टी जब पड़ता है तो उसका नेचर चेंज हो जाता है, या तो स्किन रैशेज हो जाता है या आँख लाल हो जाता है, तो वो सब क्या होता है, बोलते हैं सेंसेशन हो रहा है या सेंसिटिव हो गए। तो उसी तरह होता है फोटो सेंसिटिव सर्फेस, मतलब ऐसा सर्फेस जो कि लाइट पड़ने से उसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो हर कैमरा ट्यूब में हम लोग ये जो ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन है वो टोटली बेस्ड है इसी पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रिंसिपल पे। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग पहले भी पढ़े हैं, एक बार फिर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, कोई भी एक सरफेस है मेटल का, उस पर जब लाइट इंसिडेंस होता है तब क्या होता है, ये लाइट क्या होता है, इसमें फोटोन्स होता है जिसके पास एनर्जी होता है। तो यहाँ से फोटोन्स जब सरफेस को स्ट्राइक करता है तो वो अपना फोटोन का जो एनर्जी होता है वो क्या करता है, इस सरफेस को दे देता है। यहाँ सरफेस पे जो एटम्स हैं, तो हर एटम का क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये फोटोन अपना एनर्जी सरफेस पे ये एटम पे देता है तो एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है और वो क्या होता है, सरफेस से एमिट हो जाता है, मतलब निकल जाता है। ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप का मेटल का सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं। जनरली हम लोग अल्कली मेटल लेते हैं, अल्कली मेटल मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन हो। तो वन इलेक्ट्रॉन का बोलते हैं कि वर्क फंक्शन जो होता है वो बहुत लो होता है। वर्क फंक्शन मतलब कि कितना एनर्जी इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। ठीक है। जैसे मान लो कि कोई पढ़ने वाला बच्चा है, उसको तुम कितना भी बोलोगे कि चलो मूवी चलो मूवी चलो, वो नहीं जाएगा। डैट मीन्स उसका वर्क फंक्शन हायर है। बाहर से उसके दोस्त आते हैं, वो पूरा अपना एनर्जी पुटअप करते हैं कि तुम पढ़ाई छोड़ करके और चलो मूवी देखने, लेकिन वो नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो वर्क फंक्शन है, जिसको कि एच न्यू कहते हैं, वो वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब और कोई मान लो स्टूडेंट है जिसके पास फ्रेंड्स आए, बोले यार चलो मूवी देखने, वो तुरंत अपना कॉपी किताब बंद किया और चल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका वर्क फंक्शन बहुत कम था। मतलब जो भी फ्रेंड आ रहे हैं उनको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा उनको बाहर निकालने के लिए घर से। वही चीज़ यहाँ होता है, जब भी लाइट फॉल होता है फोटोन के पास एनर्जी होता है। तो अल्कली मेटल इसलिए लेते हैं क्योंकि अल्कली मेटल्स का वर्क फंक्शन बहुत कम होता है। तो ये जो फोटोन्स आ रहे हैं वो एनर्जी देते हैं, तो तुरंत वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो वो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको कहते हैं। तो अभी ये जो डायग्राम है ये कैमरा ट्यूब का या फोटो पिक्चर ट्यूब का ऐसा ही दिखता है। ये क्या है, ये ग्लास का एक कवर टाइप का जिसमें वैक्यूम है उसमें। ठीक है। और ये सारा सर्किटरी है। तो प्रैक्टिकल जो सर्किट देखोगे उसमें इस टाइप का जो रहता है, ये बेसिकली क्या होता है, ट्यूब होता है। ठीक है। तो अभी अगर ये इमेज है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन करना शुरू करेगा तो किस टाइप का सिग्नल आएगा? हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं कि हम लोग यूज़ करते हैं नेगेटिव ट्रांसमिशन। ठीक है। नेगेटिव ट्रांसमिशन क्यों यूज़ करते हैं ये भी हम लोग देखे हैं कि एक पिक्चर में ज़्यादातर ब्राइट एलिमेंट रहेगा,
ठीक है, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन पावर हो वो कम हो, तो जब पिक्चर में ज़्यादातर ब्राइट है मतलब वाइट वाला पार्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वाइट पार्ट है उसको लो वोल्टेज देंगे और जो डार्क पार्ट है उसको हाई वोल्टेज देंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये लाइटर है, ये थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा डार्क है, ऐसे ऐसे डार्कनेस बढ़ते जा रहा है। तो अभी क्या होगा कि यहाँ से जब स्कैनिंग शुरू होगा तो ये क्योंकि ब्राइटर है तो इसका वोल्टेज लो होगा, फिर धीरे 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 वोल्टेज जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कैमरा ट्यूब क्या होता है, वो ऑप्टिकल इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो अब देयर आर टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स फॉर कन्वर्टिंग वेरिएशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी इंटू इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस। तो दो टाइप का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, पहला होता है फोटो एमिसिव, दूसरा होता है फोटो कंडक्टिव। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये फोटो एमिसिव क्या होता है और फोटो कंडक्टिव क्या होता है। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, फोटो एमिसिव कौन कौन सा सरफेस होता है, सीजियम सिल्वर और बिस्मथ सिल्वर सीजियम ऑक्साइड्स, और फोटो कंडक्टिव कौन सा होता है, तो सेलेनियम ऑक्साइड, टेलोरियम ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, अगर नोट्स लिखने आता है या कुछ आता है तो एग्जाम्पल दे सकते हो कि हाँ ये सब इनका एग्जाम्पल है। तो हम लोग पहले फोटो एमिशन प्रिंसिपल देखते हैं। फोटो एमिशन प्रिंसिपल में ये हम लोग पढ़ लिए हैं, सर्टेन मेटल्स एमिट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देयर सर्फेस। ये हम लोग देखे हैं कि कोई सर्फेस है उस पर अगर लाइट आ रहा है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट कर देता है, एमिट मतलब निकालना देना। ठीक है, दीज एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द एमिटिंग सर्फेस इज कॉल्ड फोटो कैथोड। तो ये जो सर्फेस है हमारा इसको हम लोग फोटो कैथोड बोलते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। जो लाइट है वो क्या होता है, एनर्जी का बंडल्स होता है जिसको कि हम लोग फोटोन्स बोलते हैं, पैकेट छोटा छोटा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन्स। ठीक है, मतलब स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज फोटोन्स। तो व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ फोटो कैथोड द फोटोन्स गिव अवे देयर एनर्जी टू द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जब ये लाइट इंसिडेंट होता है सरफेस पे तो ये जो फोटोन्स होता है वो क्या करता है, अपना एनर्जी इस सरफेस के आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और वो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इतना प्रॉपर वो पोटेंशियल एनर्जी दे देता है कि वो अपना ये जो सरफेस है उसको छोड़ के एमिट हो जाए। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर एंड गेट इमिटेड डिपेंड ऑन द लाइट। मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा वो डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना है। ठीक है, एक है या दो है, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड जो है वो बढ़ेगा। अब इसमें हम पहले ही बोल दिए अल्कली मेटल्स आर यूज्ड एज फोटो कैथोड बिकॉज दे हैव वेरी लो वर्क फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम पहले दे चुके हैं। अब हम कैमरा ट्यूब में देखते हैं कि ये जो फोटो एमिसिव सरफेस जो होता है, फोटो एमिशन प्रिंसिपल से क्या होगा, फोटो एमिसिव सरफेस। तो जो भी कैमरा ट्यूब जो कि फोटो एमिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है उसमें क्या रहता है, फोटो एमिसिव सरफेस, मतलब ऐसा सरफेस जिस पे लाइट जब फॉल होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से एमिट करेगा। तो अब कैमरा ट्यूब कैसा होता है, ये कुछ इस टाइप का है। अभी क्या होगा, यहाँ पे हमारा इमेज है। ठीक है, तो इमेज को लाइट या ब्राइटनेस ऐसे मान सकते हैं। तो इमेज का जो भी ये ऑप्टिकल नेचर है, ये जो लाइट है वो क्या हो रहा है, फोकस करना है हमको इमेज प्लेट। अभी हम लोग पहले पढ़े थे कैमरा ट्यूब में, उसको फेस प्लेट भी बोलते हैं। तो फेस प्लेट जो है हमारा कैमरा ट्यूब का, उस पर हमको लाइट को फॉल कराना होगा। लाइट अच्छे से फोकस्ड हो, सही तरीके से फोकस्ड हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस तो ये पढ़े होंगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है फोकस करने में कोई भी चीज़ को। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, लाइट को फोकस कर दिए ताकि वो फेस प्लेट पे गिरे। अब फेस प्लेट में ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, ठीक है, ये क्या है मेरा, फोटो एमिसिव सरफेस। ठीक है, ये जो ये ग्लास का होता है फेस प्लेट जो है, लेकिन जो ग्लास प्लेट होता है उसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, फोटो एमिसिव कोटिंग कर देते हैं, मतलब एक फोटो एमिसिव सरफेस लगा देते हैं। तो अभी क्या होगा, लाइट जब फॉल होगा फेस प्लेट पे तो ये तो फोटो एमिसिव है, मतलब फोटो मींस लाइट। तो जब लाइट फॉल होगा तो ये सरफेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। तो वही हो रहा है, जब लाइट फॉल हो रहा है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा किसके हिसाब से, लाइट के इंटेंसिटी के हिसाब से, मतलब इमेज का जो ऑप्टिकल जो इंफॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन तो एमिट हो गया, लेकिन हमको उसको कलेक्ट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास सिग्नल आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, कैमरा ट्यूब में एक टारगेट प्लेट रहता है, तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होता है ये कहाँ पहुँचता है, टारगेट प्लेट पे। अब टारगेट प्लेट पे डिपॉजिट हो जाता है ये सारा, लेकिन अब इसको लेंगे कैसे, तो एक इलेक्ट्रॉन बीम, हम लोग इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम निकालते हैं, वो बीम क्या करेगा, सारे चार्ज को पिकअप करेगा, ठीक है। अब करंट कैसे फ्लो करवाएंगे, चार्ज तो पिकअप कर लिया, लेकिन जब तक फ्लो नहीं होगा, एक प्रॉपर कंटिन्यूस पाथ नहीं होगा किसी भी चार्ज के लिए, तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा। तो करंट फ्लो कराने के लिए और ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन है, उसको पिकअप करने के लिए हम लोग क्या किए, एक डीसी वोल्टेज अप्लाई करके एक रजिस्टर लगा लिए। तो जब वोल्टेज लगा दिए, एक सोर्स लगा दिए, डीसी सोर्स, एक रजिस्टर लगा दिए, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम इस टारगेट प्लेट पे आएगा, वो जो भी चार्ज डिपॉजिट हुआ है यहाँ इलेक्ट्रॉन इमिशन के द्वारा, उसको पिकअप करेगा और यहाँ से एक कंटिन्यूस पाथ पे इधर जाएगा। तो जब ये करंट फ्लो करेगा, तो आरएल के अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज लेंगे, वही हमारा वीडियो सिग्नल होगा, ठीक है। जब भी ये वाला जो करंट है वो फ्लो करेगा, तो आरएल के अक्रॉस क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करेगा, बस वही हम लोग फिर वहां से कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फोटो एमिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड कैमरा ट्यूब। क्या होता है, लाइट जो है या हमारा जो इमेज है या सीन है, उसे लाइट हम लोग फॉल कराते हैं हमारा फेस प्लेट पे या इमेज प्लेट पे, इमेज प्लेट पे एक फोटो एमिसिव कोटिंग रहता है। तो जैसे ही लाइट इस पे इंसिडेंट होता है, तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होकर के हम लोग उसको कलेक्ट कहाँ करते हैं, टारगेट प्लेट पे। टारगेट प्लेट पे चार्ज डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो सिग्नल जनरेट करना है। तो चार्ज जब तक फ्लो नहीं करेगा, उसको एक पाथ नहीं मिलेगा फ्लो करने का, तब तक हम कैसे बोलेंगे कि करंट जनरेट हुआ। तो इसी के लिए अब हम क्या करते हैं कि एक स्कैनिंग बीम लेंगे, वो इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेगा, चार्ज को पिकअप करेगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन बीम के मदद से हम लोग करंट को एक कंटिन्यूस पाथ देते हैं, एक डीसी सोर्स लगाते हैं, आरएल लगाते हैं। तो ये स्कैनिंग बीम क्या करता है, हम लोग बोले थे लाइन बाय लाइन, फील्ड बाय फील्ड, एक एक करके टारगेट प्लेट के हर पोजीशन से वो इन्फॉर्मेशन पिक करेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट फ्लो करवाएगा। तो जब करंट फ्लो होगा, आरएल के अक्रॉस ड्रॉप होगा, वो ड्रॉप हम लोग ले लेंगे और वही हमारा वीडियो सिग्नल होगा, ठीक है। तो ये था फोटो एमिशन प्रिंसिपल। अब आते हैं फोटो कंडक्शन प्रिंसिपल पे। फोटो कंडक्शन में क्या होता है, इन सम मेटल्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, इट्स कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी चेंजेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फोटो कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टेंस, मतलब वो कितना कंडक्ट कर रहा है, और रेजिस्टिविटी मतलब होता है कितना रेजिस्ट कर रहा है। तो कोई कोई मेटल ऐसा होता है जिसपे कि लाइट फॉल होता है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता है, लेकिन उस सर्फेस का क्या होता है, कंडक्टिविटी चेंज हो जाता है, या तो वो ज़्यादा कंडक्शन करने लगता है या फिर कम कंडक्शन करने लगता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे अभी हम लोग उसको फोटो एमिसिव सरफेस बोल रहे थे, अभी ये वाला जो सरफेस है वो है फोटो कंडक्टिव सरफेस। ये सरफेस पे क्या होगा, जब भी लाइट फॉल होगा तो इस सरफेस का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, अगर कंडक्टिविटी घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एट ईच पॉइंट अक्रॉस द सरफेस ऑफ मटेरियल इज यूटिलाइज्ड टू डेवलप अ वेरिंग सिग्नल बाय स्कैनिंग इट यूनिफॉर्मली विथ इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम कॉजेज अ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द फोटोकंडक्टिव मटेरियल। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे इमेज है, ठीक है, जिसमें कि लाइट वेरिएशन है। ये इमेज को हम लोग वापस से वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू यहाँ पे फोकस कराते हैं फेस प्लेट पे। फेस प्लेट के पीछे हम लोग इस बार फोटो एमिसिव कोटिंग नहीं करके फोटोकंडक्टिव कोटिंग की है। इस कोटिंग में अब क्या होगा, लाइट जब फॉल होगा तो ये सरफेस का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये सरफेस का रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, इस पॉइंट पे जो भी लाइट फॉल हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ का रेजिस्टेंस चेंज होगा। ये ऐसे होता है रेजिस्टेंस, और अगर इसमें कोई एरो बना हुआ है इसका मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, इसीलिए इसको ऐसे डिनोट किया गया है। तो ये जो पूरा सरफेस है, जो भी एरिया है इस सरफेस का, उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जितना भी इंटेंसिटी का लाइट फॉल करेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी हम लोगों को वीडियो सिग्नल चाहिए, लाइट इंटेंसिटी के वेरिएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस तो चेंज हो गया, लेकिन सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होने से तो नहीं होगा, हमको इस रेजिस्टेंस चेंज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब तो हम लोगों को वीडियो सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से हमको एक करंट पास करवाना होगा, तभी हम लोगों को
जो है सो आउटपुट वीडियो सिग्नल मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गन है ठीक है, और यहाँ पे एक डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं, ये आरएल करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गन ये जो फोटो कंडक्टिव कोटिंग है इसको स्कैन करता है, पिक्चर एलिमेंट एलिमेंट बाय एलिमेंट स्कैन करेगा, तो क्या होगा इसको एक प्रॉपर कंटिन्यूस पाथ मिलेगा और यहाँ से क्या होगा करंट फ्लो करेगा। तो जब करंट फ्लो करेगा तो हम लोग आरएल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ले लेंगे। तो ये जो वी नॉट है वही हमारा वीडियो सिग्नल है ठीक है। तो वही लिखा है द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सरफेस एट डिफरेंट पॉइंट। मतलब यहाँ से जो भी वी नॉट या जो हम करंट ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन से जो ये कर रहे हैं, तो उसका जो करंट आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा, जितना रेजिस्टेंस यहाँ पे है ठीक है। अगर इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग करंट लेंगे तो अगर यहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको जो करंट मिलेगा वो कम होगा, उसका वैल्यू कम होगा ठीक है। और ये रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ पे लाइट के अकॉर्डिंग ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट वेरी हो रहा है, लाइट के कारण रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है और रेजिस्टेंस के कारण करंट वेरिएशन हो रहा है, यही हम लोगों को चाहिए। तो लाइट टू करंट वेरिएशन हो गया थ्रू रेजिस्टेंस। तो सिंस द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द लाइट फॉलिंग ऑन इट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट रिप्रेजेंट्स द ब्राइटनेस वेरिएशन ऑफ सीन। यही चीज जो अभी हम बताएं वही लिखा हुआ है। दिस वेरिंग करंट कंप्लीट इट्स पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड डीसी वोल्टेज थ्रू अ लोड रेजिस्टेंस। हम लोग एक डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, आरएल करते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक कंटिन्यूस पाथ चाहिए ताकि करंट फ्लो हो सके। द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, ये जो वी नॉट है इंस्टेंटेनियस क्यों, क्योंकि ये जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो हर इंस्टेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि हर इंस्टेंट ये जो इलेक्ट्रॉन गन है वो जो बीम है इलेक्ट्रॉन बीम वो हर इंस्टेंट अलग अलग पोजिशन को स्कैन कर रहा है, अलग अलग पिक्चर एलिमेंट को स्कैन कर रहा है। तो हर इंस्टेंट ये वी नॉट का वैल्यू बदलते जाएगा, इसीलिए उसको कहा गया है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस इज द वीडियो सिग्नल विच इज ट्रांसमिटेड आफ्टर एम्पलीफिकेशन एंड प्रॉपर मॉड्यूलेशन। तो हम लोग ब्लॉक डायग्राम में देखे थे, मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर के ब्लॉक डायग्राम में, कि हमारा जो वीडियो सिग्नल आता था उसको हम लोग क्या करते थे एम्पलीफाई करके और प्रॉपर मॉड्यूलेट करके उसके बाद ट्रांसमिटिंग एंटीना में देते थे। तो इसमें यही चीज़ है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, फोटो एमिशन में क्या होता है, जब लाइट फॉल होता है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, उसको हम लोग टारगेट प्लेट पे कलेक्ट करके और फिर इलेक्ट्रॉन गन यूज़ करके इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद सेम जो डीसी सोर्स और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके वीडियो सिग्नल ले लेते हैं। फोटो कंडक्शन में भी वही होता है, लाइट फॉल करता है, बस इलेक्ट्रॉन एमिशन के जगह क्या होता है कि जो सरफेस है उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, उसका रेजिस्टिविटी चेंज हो जाता है। रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी दोनों में से कुछ भी बोलना सही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट है, तो या तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा या रेजिस्टिविटी घटेगा। तो लाइट फॉल करने से क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। अब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट होता है वो भी चेंज हो जाता है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ जो लाइट वेरिएशन है या ब्राइटनेस वेरिएशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल जाता है, जो कि वीडियो सिग्नल रहता है। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो कि कैमरा ट्यूब में यूज होता है। तो जो ऑर्थिकॉन है हमारा वो फोटो कंडक्शन बेस्ड है, जो बाकी जो प्लम्बिकॉन है या वीडिकॉन है वो फोटो एमिशन बेस्ड है। तो हम लोग ये चीज़ आगे देखेंगे। अभी हम लोगों का एक टॉपिक इसमें बाकी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैमरा ट्यूब। मतलब ये जो कैमरा ट्यूब है हमारा उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, कैमरा ट्यूब का काम क्या है। कैमरा ट्यूब का काम है कि यहाँ से सीन जो भी हमारा ऑप्टिकल इमेज है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करे ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लाइट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। लाइट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मतलब इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन लाइट फॉलिंग ऑन द कैमरा ट्यूब एंड द इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस्ड ठीक है। ये क्या करेगा, ये अगर मेरा कैमरा ट्यूब है, ये फेस प्लेट है, तो ये क्या बोल रहा है, कोई ऐसा रिलेशन देगा कि हाँ जितना लाइट फॉल हो रहा है और कितना इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होता है लाइट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड है स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स मतलब स्पेक्ट्रल इन द इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम लोग फ्रीक्वेंसी को स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं ठीक है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कैमरा ट्यूब
टू रिस्पॉन्ड इक्वली टू ऑल कलर्स लाइक ह्यूमन आई। हमारा जो आई है वो क्या करता है, सारे कलर्स को इक्वली रिस्पॉन्ड करता है। किसी किसी में ये चीज़ होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो वो क्यों होता है, किसी किसी को देखोगे कि कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है ज़्यादा, रेड भी उसको रेड नहीं लगेगा, उसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कि एक कोई किसी को बिल्कुल ही कलर नहीं पता चल पाता और किसी को कोई पर्टिकुलर कलर का ब्लाइंडनेस होता है। तो उसमें उस केस में क्या होता है कि उसका जो आई है वो सारे कलर्स को लेकर के इक्वली रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो हमारा जो कैमरा ट्यूब है उसको कैसा होना चाहिए, उसको इक्वल रिस्पॉन्स देना चाहिए हर कलर के प्रति। ठीक है, मतलब जो भी कलर का इमेज है वो सबको इक्वल रिस्पॉन्स दे, जो कलर है वही हमको आउटपुट में भी मिलना चाहिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करना चाहिए। तीसरा है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड फॉर इवन वेरी लो इल्यूमिनेशन। मतलब ये जो हमारा इमेज है वो अगर बहुत कम ब्राइटनेस का है, उसका इंटेंसिटी बहुत कम है, फिर भी जो है हमारा कैमरा ट्यूब उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के एबल होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा कैमरा ट्यूब को हाई सेंसिटिविटी होना चाहिए। उसका कैमरा ट्यूब का हाई सेंसिटिविटी मतलब कि कितना भी कम इल्यूमिनेशन होगा वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें सिग्नल देगा। फोर्थ है डार्क करंट। डार्क करंट क्या होता है कि जब कोई भी इमेज कैमरा ट्यूब पे नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं पूरा ब्लैक इमेज है, तो क्या होगा, ब्लैक इमेज में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिग्नल करंट जो है वो फ्लो करेगा। हालांकि ब्लैक इमेज में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो पूरा डार्क है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, उसको हम लोग कहते हैं डार्क करंट। ठीक है, फिफ्थ है लैग कैरेक्टरिस्टिक। लैग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ फोटो सेंसिटिव लेयर टू फॉलो फास्टर चेंज इन द इल्यूमिनेशन ऑन द कैमरा ट्यूब। लैग मतलब पीछे छूट जाना या फिर देर होना, डिले होना। तो लैग में क्या होता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो इमेज है अगर बहुत जल्दी जल्दी इमेज में चेंज हो रहा है, तो हमारा जो कैमरा ट्यूब है उसको केपेबल होना चाहिए कि वो इतना फास्ट चेंज को अपने में इनकॉर्पोरेट कर पाए, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर पाए। ऐसा नहीं कि इमेज चेंज हो गया लेकिन वो पहले वाले इमेज के कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल जनरेट कर ही नहीं पाया। तो ये जो कैमरा ट्यूब है दैट शुड फॉलो द चेंज इन पिक्चर। ठीक है, लास्ट है रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर तो जो रिजोल्यूशन हम लोग पढ़े हैं उसी पे बेस्ड है कि ये जो कैमरा ट्यूब है उसमें क्या, वो रिजॉल्विंग पावर में हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस ऑफ रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन हम लोग देख चुके हैं, हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन और वर्टिकल रिजोल्यूशन। तो ये सारा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैमरा ट्यूब। मतलब अगर हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा कैमरा ट्यूब बेटर है या कौन सा हम अपने काम के लिए यूज़ करें, तो हम लोग ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं कि लाइट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसका स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स देखेंगे, सेंसिटिविटी देखेंगे, डार्क करंट क्या है उसका अमाउंट कितना है वो देखेंगे, लैग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, रिजॉल्विंग पावर देखेंगे। तो ये सारा चीज़ देख करके उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे जब हम लोग फाइनल मार्किंग करते हैं तो बच्चे का हर चीज़ देखते हैं, उसका क्लास में प्रेजेंस कितना था, परफॉर्मेंस कितना था, इंटरनल मार्क्स कितना है। ऐसा तो नहीं है कि तुरंत बस हाँ ये वाला ठीक है इसको इतना मार्क्स दे दो। उसी तरीके से कोई भी चीज़ का जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो उसका प्रॉपर हर पैरामीटर को जज करके उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो कैमरा ट्यूब के लिए ये सारा कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जनरली देखते हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। तो आज हम लोग बेसिक जो भी बेसिक्स ऑफ कैमरा ट्यूब किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थिकॉन के बारे में। तो आई थिंक नोबडी हैज एनी क्वेश्चन, सो थैंक यू।